नमस्कार, मी आली आहे महाराष्ट्राच्या संस्कृती राजधानी मध्ये कसा काय पुणे। When in Rome, do as the Romans do. When in Pune, do as the Marathas do. तो मैं आ चुकी हूँ अपनी नवारी साड़ी पहन के महाराष्ट्र के कल्चर और हिस्ट्री के एपिसेंटर पुणे को एक्सप्लोर करने। पुणे महाराष्ट्र का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी मुंबई से सिर्फ 2 घंटे दूर है। इसे ना सिर्फ मराठा का कल्चरल कैपिटल बुलाया जाता है बल्कि क्वीन ऑफ द डेक्कन भी। अब क्वीन ऑफ द डेक्कन को बिल्कुल क्वीन की तरह ही एक्सप्लोर करना चाहिए ना। माना जाता है कि मराठा रूल में औरतें अपने फेलो मेल वॉरियर्स की युद्ध में हमेशा मदद करती थी और इसीलिए उन्होंने ये नववारी साड़ी को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जिस तरह से ये पहनी जाती है इट रिजेंबल्स अ मेल ट्राउजर एंड फैसिलिटेट्स इजी मूवमेंट। आई लव दिस साड़ी। बचपन में जब भी मैं अपनी मॉम के महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स को देखा करती थी आई वुड थिंक मैं कब पहन पाऊंगी ऐसी साड़ी। इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट फील्स लाइक आई कैन गो फॉर अ जॉग और इवन ब्रेक अ लेग और टू किसी और का। बट दैट विल लीव फॉर अनदर डे। आज करते हैं पुणे का एक हिस्टोरिक टूर, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। The history of Pune dates back to the 17th or 18th century, which saw the rise of the Maratha Empire and the Peshwas. अगर आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी तो आपने शनिवार वाड़ा के बारे में जरूर सुना होगा। रियल लाइफ में ये पैलेस पेशवा और मराठा का घर था, विच वॉज बिल्ट बाई पेशवा बाजीराव वन इन 1732। क्या आप मानेंगे शनिवार वाड़ा इज ऑलमोस्ट 300 इयर्स ओल्ड। यहाँ के रस्टिक वॉल्स, ह्यूज लॉन्स यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। शनिवार वाड़ा के पास ही देयर इज अ मार्केट कॉल्ड तुलसी बाग, विच इज नोन फॉर इट्स होम डेकोर पीसेस, एक्सेसरीज, कटलरी, क्लोथिंग, जो आप चाहो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड बाय दिस ब्यूटीफुल लुकिंग बैंगल्स। वैसे ये सुना है मैंने, इज अ बार्गेनियर्स शॉपिंग पैराडाइज। कितने के हैं ये? पुणे में हेरिटेज स्पॉट्स के अलावा काफी ग्रीनरी भी है। सरसबाग इज अ गार्डन दैट इज स्प्रेड अक्रॉस 25 एकर्स। किसी जमाने में यहाँ लेक हुआ करता था, अब लेक सूखने के बाद यहाँ गार्डन बन चुका है। अगर आपको थोड़ा सुकून और शांति चाहिए यू शुड डेफिनेटली कम हियर। पुणे की असली यूथफुल स्पिरिट तो यही है। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी बुलाते हैं बिकॉज़ देयर आर सो मेनी कॉलेजेस एंड प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हियर। तो अब मैं आ चुकी हूँ टू FC रोड, विच इज नेम्ड आफ्टर फर्गसन कॉलेज। ये कॉलेज अबाउट 100 इयर्स ओल्ड है और इसी लेन में कई सारे ईटरीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग ऑप्शंस हैं और यही सारी चीजें इस एरिया को इतना स्पेशल बनाते हैं। सो कम ऑन, लेट्स एक्सप्लोर मोर। This place is truly a youngster's paradise, from iconic restaurants to hip restaurants. Sab kuch hai yahan par. You know, there's a Vaishali restaurant right behind me, there's Rupali, there's Good Luck Cafe, Chaitanya Paratha House. I'm very confused which one to pick. Waise mood to tha kuch South Indian khane ka, but look at the crowd at Vaishali restaurant. Lagta nahi hamara number bahut jaldi aayega. But let's go and try. वैशाली रेस्टोरेंट शुरू हुआ था इन द ईयर 1951 और यहाँ आए बहुत सारे एक्टर्स और पर्सनैलिटीज आकर यहाँ का साउथ इंडियन फूड एंजॉय कर चुके हैं। राइट नाउ आई हैव मैसूर मसाला डोसा इन फ्रंट ऑफ मी, देयर इज चीज अनियन उत्तपा एंड देयर इज SPDP दैट इज सेव पुरी दही पुरी। Thank you.
Isn't this beautiful? अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे अलग अलग डेस्टिनेशंस में जाकर वहाँ का सनसेट एंजॉय करना कितना अच्छा लगता है. तो दिस इज पाशन लेक. इट इज एक्चुअली अ मैन मेड लेक जो बनाया गया है टू प्रोवाइड वाटर टू नियर बाय विलेजेस. लोग यहाँ अक्सर पिकनिक बनाने आते हैं या बोटिंग करने आते हैं, बट आई थिंक इससे ज़्यादा सुकून वाली जगह इन पुणे इट्स हार्ड टू फाइंड. मॉर्निंग फ्रॉम पुणे. वैसे यहाँ की मॉर्निंग तब भी गुड होती है इफ यू स्टार्टेड बाय हैविंग मिसल पाव. तो मैं आ गई हूँ एट वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस ऑफ पुणे कॉल्ड कातकीर मिसल. यहाँ क्या मिसल पाव ट्राई करने जो आता है 3 अलग वेराइटीज में. वैसे ये जगह मुझे आप लोगों ने ही रेकमेंड की है. लेट मी सी इफ इट्स वर्थ द हाइप. एक तिखट मिसल दिया, मिसल तो ठीक है पर इस मिसल का असली मजा इसकी तरी में है, विच कैन बी मीडियम स्पाइसी और सुपर स्पाइसी. तो मैंने लिया है एकदम तिखट. ये तो कूपत तिखट है. आई डिडंट टेक इट वेरी सीरियसली बट गाइस दिस इज वेरी स्पाइसी. मुझे थोड़ा मीडियम स्पाइसी तरी मिल सकता है क्या? तिखट मिसल के साथ अगर पुणे की तंदूरी चाय हो जाए तो और मजा आता है. महाराष्ट्र की खूबसूरत जगहों के बारे में आप जान सकते हैं उनकी वेबसाइट पर. एंड ऑल्सो रिमेम्बर टू फॉलो देम ऑन सोशल मीडिया. जैसे मैंने बताया पुणे इज द एपिसेंटर ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर. और अब मैं आ चुकी हूँ एट दिस गॉर्जियस पैलेस कॉल्ड आगा खान पैलेस, which holds a lot of importance in Indian history. एक वक्त पर ये पैलेस महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और उनकी सेक्रेटरी के लिए प्रिजन हुआ करता था. यहाँ के ह्यूज लॉन्स, इटालियन आर्किटेक्चर इस जगह की ग्लोरी को और भी बढ़ाते हैं. पुणे शहर पूरी तरह से घूमने के बाद, कोना कोना देखने के बाद, आई हैव कम टू अ प्लेस जहाँ से मुझे पूरे सिटी का एक पैनोरामिक व्यू मिल सकता है. आई हैव कम टू पार्वती हिल और यहाँ से 108 स्टेप्स ऊपर जाने के बाद आई हैव हर्ड एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है और यहाँ की हिस्ट्री इज ओवर 250 इयर्स ओल्ड. सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट व्हाट पार्वती हिल हैज टू ऑफर. ये स्टेप्स के नाम पे धोखा है. दे सेड 108 स्टेप्स बट एक स्टेप इज लाइक ऑलमोस्ट 100 मीटर्स. But it's beautiful. Amongst the most famous takeries and hillocks in the town of Pune, Parvati Hills is one of the oldest structures of Pune, jo jana jata hai apne famous temples aur museum ke liye. Wow, isn't this beautiful? So ye hai view from Parvati Hill. It's definitely worth the trek to come check out this gorgeous view. So isi ke sath mera safar khatam hota hai in the city of Pune. Keep watching I Love My India Maharashtra series as I explore the next destination. See you soon.